जब ब्रह्मा ने कलिपुरुष की रचना की तो कलिपुरुष हंस रहा था, रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था और जमीन पर रेंग रहा था। अचानक वह खड़ा हुआ और एक हाथ से अपना लिंग और दूसरे हाथ से अपनी जीभ पकड़ ली। जब ब्रह्मा ने कारण पूछा तो कलिपुरुष ने कहा कि वह उन लोगों से प्यार करता है जो अपनी वासना और मुंह पर नियंत्रण नहीं रख सकते। ब्रह्मा ने उनसे यह बताने को कहा कि उनके मित्र कौन है और शत्रु कौन है। कलिपुरुष ने कहा, हे ब्रह्मा, जो लोग शिव और विष्णु की समान रूप से पूजा करते हैं, जो हमेशा आध्यात्मिक स्थानों पर जाते हैं, जो शास्त्र पढ़ाते हैं, जो जप तप और अनुष्ठान करते हैं, जो जल्दी क्रोधित नहीं होते, वे मेरे मित्र नहीं हैं। मुझे इस तरह के लोगों से बेहद डर लगता है। और जो लोग हरिहर भेद वाले हैं और शिव और विष्णु में अंतर देखते हैं, जो लोग अपने वृद्ध माता पिता को त्याग देते हैं, जो लोग वेदों और शास्त्रों का अपमान करते हैं, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते और अत्यधिक भौतिकवादी है, वे मुझे बहुत